सभी को नमस्कार। मैं पवन उपल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं सेहत और लाइफ चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको फाइब्रोस्कैन के बारे में जानकारी दूंगा। फाइब्रोस्कैन एक नॉन इन्वेसिव डिवाइस है जो ट्रांसिएंट इलास्टोग्राफी की तकनीक के माध्यम से लीवर की कठोरता का आकलन करता है। नॉन इन्वेसिव का अर्थ है कि इसके लिए कोई भी कट या चीरा लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। त्वचा पर पैदा होने वाली कंपन तरंग के वेग को मापकर लीवर की कठोरता का मूल्यांकन किया जाता है। इस कंपन तरंग को शियर वेव भी कहा जाता है। शियर वेव की वेलोसिटी यानी वेग उस समय को मापने के द्वारा निर्धारित किया जाता है जो समय शियर वेव लीवर के अंदर किसी विशेष गहराई तक यात्रा करने के लिए लेती है। स्क्रीन पर इसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन प्रदान किया जाता है। क्योंकि फाइब्रस टिश्यू सामान्य लीवर की तुलना में कठोर होता है, इसलिए लीवर की कठोरता से हेपेटिक फाइब्रोसिस का अनुमान लगाया जा सकता है। आमतौर पर टेस्ट करने में लगभग 10 मिनट लगते हैं और रोगी को कोई भी असुविधा नहीं होती है। आमतौर पर पेशेंट को प्रोसीजर से कम 2 घंटे पहले उपवास करना चाहिए, लेकिन ऑपरेटर के अनुसार खास निर्देश भिन्न हो सकते हैं। फाइब्रोस्कैन का उपयोग मुख्य रूप से लीवर स्केरिंग की डिग्री का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है, यानी लीवर डिजीज की स्टेज का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। यह पुरानी लीवर की बीमारी वाले रोगियों के मूल्यांकन में बहुत उपयोगी है, जैसे क्रोनिक हेपेटाइटिस सी, क्रोनिक हेपेटाइटिस बी, क्रोनिक अल्कोहल अब्यूज और फैटी लीवर। फाइब्रोस्कैन के परिणाम 2.5 से 75 किलो पास्कल तक होते हैं। स्वस्थ लोगों में जिन्हें कोई भी लीवर की बीमारी नहीं है, इनमें से 90 से 95% लोगों में लीवर स्केरिंग मेजरमेंट 7 किलो पास्कल से कम होती है और मीडियम 5.3 किलो पास्कल होती है। क्रोनिक हेपेटाइटिस सी और लीवर की कठोरता 14 किलो पास्कल से ज्यादा वाले रोगी में सिरोसिस होने की संभावना 90% होती है, जबकि लीवर की कठोरता 7 किलो पास्कल से ज्यादा वाले रोगियों में सिग्निफिकेंट फाइब्रोसिस की संभावना 85% होती है। रीडिंग की व्याख्या लीवर डिजीज एटियोलॉजी के आधार पर कुछ हद तक भिन्न हो सकती है, इसलिए परिणामों की व्याख्या अन्य क्लिनिकल और बायोकेमिकल मापदंडों के साथ मिलकर की जाती है। यह थी जानकारी फाइब्रोस्कैन के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।